योगी के यूपी से होकर गुजरता है दिल्ली का रास्ता। आखिर योगी के यूपी से कैसे गुजरेंगे मोदी विरोधी? यूपी में चकनाचूर हो जाएगा मोदी हराओ सपना। विरोधियों के लिए आसान नहीं योगी के यूपी का रास्ता। विपक्ष के मोदी हराओ एजेंडे पर भारी पड़ेंगे योगी। देश की जनता ने साल 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को प्रचंड बहुमत दिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता संभाली। इसके बाद साल 2019 का लोकसभा चुनाव आया तो देश की तमाम विपक्षी पार्टियों ने मोदी को रोकने के लिए खूब रणनीतियां बनाई। यहां तक कि जिस उत्तर प्रदेश के बारे में कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता यहीं से होकर गुजरता है, उस उत्तर प्रदेश में एक दूसरे के धुर विरोधी अखिलेश यादव और मायावती एक हो गई, क्योंकि यहां बात 80 सीटों की थी और उन 80 सीटों पर बीजेपी को हराने की थी। लेकिन सपा बसपा की जोड़ी अपने प्लान में फेल हो गई, क्योंकि दोनों पार्टियों के गठबंधन के बावजूद बीजेपी और उसकी सहयोगियों ने यूपी की 80 में से 64 सीटों पर जीत दर्ज की, जबकि सपा बसपा महज 15 सीटों पर सिमट कर रह गई और एक सीट कांग्रेस के खाते में चली गई। मोदी योगी की रणनीति के आगे सपा बसपा की जोड़ी फेल हो गई और दोनों के बीच गठबंधन भी टूट गया। ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान यूपी में कौन रोकेगा मोदी का विजयरथ। यह सवाल इसलिए उठ रहा है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ अब तो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर भी यूपी की जनता जनार्दन का विश्वास लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसका ताजा उदाहरण हाल ही में हुए यूपी चुनाव और निकाय चुनाव में देखने को मिला। यूपी चुनाव में जहां मोदी योगी के दम पर बीजेपी ने वापसी की और निकाय चुनाव में तो अकेले योगी ने यूपी की सभी 16 मेयर सीट पर भगवा लहरा दिया। इन दो चुनावों में बीजेपी को मिली जीत के बाद से ही ये माना जा रहा है कि सपा बसपा हो या कांग्रेस, किसी में इतना दम नहीं है कि वो अकेले दम पर यूपी में मोदी का विजय रथ रोक सके। इसलिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई में देश की तमाम मोदी विरोधी पार्टियां एकजुट हो रही हैं। लेकिन लगता है कि योगी के यूपी में नीतीश का फॉर्मूला काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहां सपा बसपा कांग्रेस और RLD बड़ी पार्टियां हैं, जिन्हें नीतीश कुमार एकजुट कर लें तो ये गठबंधन यूपी में बीजेपी को टक्कर दे सकता है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि चारों पार्टियों का एकजुट होना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन लग रहा है। कांग्रेस और सपा में ठनी। बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने फॉर्मूला दिया था कि जो पार्टी जिस राज्य में मजबूत है उसे वहां लड़ना चाहिए। इसलिए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ये पहले ही कह चुके हैं कि कांग्रेस को यूपी में चुनाव लड़ना ही नहीं चाहिए, क्योंकि यहां सपा मजबूत पार्टी है। लेकिन कांग्रेस ये शर्त शायद ही कभी मानेगी, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो फिर कांग्रेस आने वाले चुनाव में और भी गर्त में चली जाएगी। अब साथ नहीं चलेगी साइकिल और हाथी। सपा और बसपा साल 2019 का लोकसभा चुनाव एक साथ लड़ चुकी हैं, लेकिन 2024 में दोनों एक बार फिर साथ आएंगी इसकी जरा सी भी संभावना नजर नहीं आती, क्योंकि BSP सुप्रीमो मायावती पहले ही ऐलान कर चुकी हैं कि वो अकेले ही लोकसभा का चुनाव लड़ेंगी। हाथी और हाथ आएंगे साथ। BSP जिस तरह से कांग्रेस के प्रति नरम रुख अपना रही है उसे देखकर माना जा रहा है कि अंदर खाने में दोनों के बीच गठबंधन की बात चल रही है। लेकिन बड़ी बात यह है कि बसपा और कांग्रेस अगर साथ भी आ जाती हैं तो दोनों में वो दम नहीं कि बीजेपी को टक्कर दे पाएं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कितनी मजबूत है ये आप इसी बात से समझ सकते हैं कि 80 में से सिर्फ एक सीट कांग्रेस के पास है, जबकि BSP ने 10 सीटों पर जीत हासिल की थी और अभी 9 सांसद उसके साथ हैं। यानी हाथ और हाथी साथ ही बनेंगे तो भी बीजेपी की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। बीजेपी के अलावा यूपी में 3 बड़ी पार्टियां हैं, सपा बसपा और कांग्रेस, और ये बात तो तय मानी जा रही है कि तीनों ही पार्टियां एकजुट नहीं हो पाएंगी।
ऐसे में बिहार के सीएम नीतीश कुमार जिस तरह से देश की तमाम विपक्षी पार्टियों को मोदी को हराने का सपना दिखा रहे हैं, उनका यह सपना योगी के यूपी में ही टूट कर बिखर सकता है, क्योंकि लोकसभा की सबसे ज्यादा 80 सीटें यूपी में ही हैं। और अगर यूपी में नीतीश कुमार का प्लान फेल हो गया तो समझ लीजिए मोदी को रोकना विपक्ष के लिए आसान काम नहीं होगा। वैसे आपको क्या लगता है, क्या मोदी को हराने के लिए सपा बसपा और कांग्रेस हाथ मिलाएंगी? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।